नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ठंड को लेकर। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बता दें कि देश के पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवाओं ने बिहार में कपकपी बढ़ा दी है। ऐसे में गुरुवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसमें राजधानी पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में कोल्ड अलर्ट जारी रहा। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर जारी पूर्वानुमान के अनुसार कहा गया है कि 28 और 29 जनवरी को इन जिलों में शीतलहर की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कहा गया है कि इस दौरान हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आने वाले 5 दिनों तक बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को पूसा सबसे सर्द दिन रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री से गिरकर 7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पटना का अगर हम तापमान की बात करें 3.8 डिग्री से गिरकर 9 डिग्री टेम्परेचर पे दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में भले ही धूप निकली हो, लेकिन ठंड का असर इतना नहीं था कि धूप पर शरीर का कोई असर हो सके। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कितनी ठंड है। वहीं अगर हम तापमान की गिरावट को देखें तो पटना का अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री से गिरकर 18.6 डिग्री पहुंच गया, जबकि सबसे कम तापमान वाल्मीकि नगर में 16.6 डिग्री रहा। वहीं सबौर में अधिकतम पारा 21 डिग्री पर रहा। गया का अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री से गिरकर 18.4, वहीं भागलपुर का डिग्री जो है 20.9 डिग्री दर्ज किया गया। खास बात यह है कि खगड़िया का भी सबसे अधिकतम पारा जो है 3.7 डिग्री से गिरकर 20 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अगर हम गया की बात करें तो गया में जो है न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री से गिरकर 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मोतिहारी का जो है 4.8 डिग्री से गिरकर 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। जिला देई की बात कर लें तो यहाँ पे जो है 9 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू में 5.5 डिग्री से गिरकर 9 डिग्री टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बेगूसराय में 8.8 डिग्री, पूर्णिया में, शेखपुरा में 8.9 डिग्री, मोतिहारी में जो है तापमान 8.2 डिग्री, बांका की अगर हम बात करें तो 8.5 डिग्री, दरभंगा में 4 डिग्री से गिरकर 9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, छपरा में 2.2 डिग्री से गिरकर 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। पुपरी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे भी जो तापमान वो 8.8, नालंदा की बात करें तो 8.7 डिग्री से गिरकर 8.6 डिग्री जो है वह तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में सबसे अधिकतम तापमान जो है वो फारबिसगंज में दर्ज किया गया और वो जो था न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ देखने के न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है, साथ ही साथ जो है अधिकतम तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों के लिए यानी कि 28 जनवरी और 29 जनवरी के लिए जो है शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है मौसम का कहर रहेगा, यानी कि ठंड कपकपाने वाली ठंड रहेगी और 2 दिनों तक जो है खास करके कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। तो एक तरह से कहने प्रदेश में एक बार फिर से पछुआ हवा ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और ज़्यादातर जिले जो है वो ठंड की चपेट में हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।